Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप अजरक को डिफरेंट वेज के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी आइटम्स ऐसी हैं जो मैंने खुद स्टिच करवाई हैं, और जो स्टिच हुई हुई मैं आपको दिखा रही हूँ वो भी स्टिच करवाना बहुत आसान है। तो मैं आपको 4 डिफरेंट वेज बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से आप अजरक को बहुत ही मजे से स्टाइल कर सकते हैं, और 4 डिफरेंट लुक्स हम क्रिएट करेंगे विद शूज, ज्वेलरी। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से मैंने स्टाइल किया है तो वीडियो को देखते रहे शुरू से एंड तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, सो दिस इज द फर्स्ट आउटफिट। ये कुछ इस तरह से इसकी ए लाइन शर्ट है, साथ इसके है ये प्लेन ब्लैक कलर की कैप्री, और साथ इसके है ये अजरक का दुपट्टा। अगर आपको रेडीमेड चाहिए तो आपको मिल जाएगा जी ये क्राफ्टर से, अदरवाइज अगर आपका दर्जी अच्छा है तो आप इसको इजीली स्टिच करवा सकते हैं। हम सबके घर में कहीं ना कहीं अजरक की चादर जरूर पड़ी होती है, तो आप इस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अजरक की चादर के अंदर जितने भी सॉलिड कलर्स हैं, व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, मरून हो गया, इन्हीं सॉलिड कलर्स की आप शर्ट और शलवार बना लें, और जो शर्ट होगी उस पर आप इस तरह की डिजाइनिंग करवा सकते हैं। चलें जी, अब शर्ट की डिजाइनिंग की बात करते हैं। तो शर्ट का कुछ इस तरह से ये बैन वाला गला है, और ये वाला बॉर्डर इसकी फ्रंट नेक लाइन पे सेट करवाया है। शर्ट की दोनों साइड्स पे ये वाले पैनल्स हैं, उसके बाद सेम वही वाला बॉर्डर इसके स्लीव्स पे, और सेम यही वाला जो बॉर्डर है शर्ट की फ्रंट और बैक साइड पे स्टिच करवा दिया है। शर्ट की शेप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, कुछ इस तरह से इसकी हल्की सी ए लाइन शेप है, और साथ इसके हम पहनने वाले हैं ये मरून चप्पल, दिस इज़ फ्रॉम ECS, और साथ इसके हम पहनेंगे ये वाले इयररिंग्स, और ये मैंने लिए थे लास्ट ईद पे स्टाइलो से। हम अपने सेकेंड आउटफिट की तरफ। सेकेंड आउटफिट को मैं किस तरह से स्टाइल करूंगी, मैं लेने वाली हूँ ये कुछ इस तरह से ब्लैक कलर की लॉन्ग फ्रॉक, स्लीव्स इसके बिल्कुल स्ट्रेट हैं, इसकी फ्रंट साइड पे कुछ इस तरह से ये डिजाइनिंग है, बहुत ही आसान है अगर आपने करवानी हो, और ये कुछ इस तरह से लॉन्ग फ्रॉक है, फ्लेयर इसका बहुत मजे का, बहुत ही अच्छा है, जब पहनूंगी आपको पता चलेगा। और इसके साथ मैं पहनने वाली हूँ ये अजरक की वेस्ट कोट। ये वेस्ट कोट मैंने खुद स्टिच करवाई थी, आप पैटर्न कट करके दे सकते हैं अपने दर्जी को, अगर नहीं कट करना आता तो आप उसको समझा दें कि भाई कपड़े में जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको इस तरह से सेट कर दो, फ्रंट साइड भी इसी तरह से है और इसकी जो बैक साइड है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है। ये हो गया जी हमारे पास पेयर। आपको मैं बता दूं कि ये जो फ्रॉक है ये बिल्कुल मेरे पाँव तक आती है, लेकिन कोई मसला नहीं है अगर आपके पास मिड लेंथ फ्रॉक है या कोई शॉर्ट फ्रॉक भी है ब्लैक कलर में, मरून कलर में, वाइट कलर में, तो उसके ऊपर से भी आप इस तरह की जब वेस्ट कोट पहनते हैं तो बहुत ही क्यूट और बड़ा ट्रेडिशनल और मज़े का लुक आता है। इसके साथ मैं पहनने वाली हूँ जी ये गोल्डन कलर की चप्पल, और ये है जी फ्रॉम पाओलो रोसी। फालतू के महंगे शूज़ होते हैं इनके और कम्फर्टेबल तो बिल्कुल नहीं होते, और इसको हम पेयर करने वाले हैं जी इन गोल्डन इयररिंग्स के साथ, क्योंकि जो पूरी की पूरी ये वाली फ्रॉक है इस पर ये गोल्डन डिटेल्स हैं, तो हम जो अपनी एक्सेसरीज हैं, ज्वेलरी हो गई और अपने जो शूज़ हो गए, उनको थोड़ा सा गोल्डन रखने वाले हैं।
थर्ड आउटफिट के लिए हमारे पास है जी ये वाइट कलर का गरारा, और इसके साथ हम ये वाली शर्ट पहनने वाले हैं जो आपको मैंने फर्स्ट आउटफिट में दिखाई थी, और इसके ऊपर हम पहनने वाले हैं ये अजरक का गाउन। आप देख सकते हैं सारे के सारे प्रिंट्स डिफरेंट हैं, ये गाउन का प्रिंट डिफरेंट है, ये जो आपको मैंने ये वेस्ट कोट दिखाई थी इसका प्रिंट डिफरेंट है। तो आप इस तरह से आउटफिट्स के अंदर चेंजिंग्स कर सकते हैं, अजरक को भी आप डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। ये गाउन भी मैंने स्टिच करवाया था, बेस की नेकलाइन है और शेप इसकी मैंने थोड़ी सी ए लाइन रखवाई है। साइड से ये यहाँ से खुला है, कोई बटन्स कुछ भी नहीं लगा हुआ, और ए लाइन इसकी शेप है। प्रॉपरली आपको मैं पहन के दिखाती हूँ, फिर आपको ठीक से नज़र आएगा। इसके साथ हम पहनने वाले हैं जी ये मरून कलर का वेलवेट का खुस्सा, ये लोकल बाज़ार से मैंने लिया था, आई थिंक 350 या 400 का, और इस तरह के खुस्से इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। और इसके साथ हम पहनने वाले हैं जी ये सिल्वर कलर के इयररिंग्स। सारे का सारा आउटफिट ऑलरेडी वाइट वाइट हो गया है, इसके नीचे से जब आप मरून खुस्सा पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ी सी कलर ब्लॉकिंग भी हो जाएगी, सारा आउटफिट एक जैसा नहीं लगेगा, तो इस वजह से इसके साथ हम ये मरून खुस्सा पहनने वाले हैं। चलते हैं जी हम अपने फोर्थ और लास्ट आउटफिट पे। ये कुछ इस तरह से अजरक की फ्रॉक है, स्लीव्स इसके बिल्कुल स्ट्रेट हैं, और इसकी भी शेप ए लाइन है लेकिन इसका फ्लेयर थोड़ा सा ज़्यादा है, बे नेक लाइन, और सारी की सारी फ्रंट साइड पे सेंटर में ये पाइपिंग है और ये वाले बटन्स हैं। इसकी जो फ्रंट साइड है उस पे कुछ इस तरह से बिल्कुल छोटी सी स्लिट है, और इसको हम पहनने वाले हैं प्लेन ब्लैक कलर की टाइट्स के साथ। इसको हम पेयर करने वाले हैं जी इन ब्लैक कलर के लोफर्स के साथ, दीज आर फ्रॉम ECS, और साथ इसके हम पहनेंगे ये सिल्वर कलर का नेक पीस, और ये हम थोड़ी सी एक्सेसरीज यूज़ करेंगे अपने बालों में। अब चलते हैं जी और इसको पहन के देखते हैं।
हो तो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से नीचे जाएं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइस सो मच, अल्लाह हाफिज। और एक और बात, सारी की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिन जिनकी याद होंगी उन उनकी डाल दूंगी, जिनकी नहीं याद वो भी कोशिश करूंगी कि ढूंढूं कहीं ना कहीं से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। बाय।